यहाँ पर आपको क्वेश्चन 5 सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 1.3 का। अभी तक जो है एक्सरसाइज 1.3 के जो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड, फिर क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं कंप्लीट किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज 1.3 में 1x1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन 5 पढ़ लेते हैं, क्या गिविन है और क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, जो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट FGH, ये आपको चेक करना है कि इनवर्स फंक्शन है या नहीं। और बता दिया है रीजन विद रीजन, रीजन के साथ ही आपको बताना है, डायरेक्ट नहीं बताना है। तो आपको पता है पहले वीडियो में हमने क्या बताया था आपको, अगर इनवर्स, एफ इनवर्स, जी इनवर्स और एच इनवर्स, ये आपको गिवन मैपिंग दिख रही है। फर्स्ट पार्ट में एफ फंक्शन दिख रहा है और सेकंड पार्ट में जी फंक्शन दिख रहा है और थर्ड पार्ट में आपको एच फंक्शन दिख रहा है, तो ये 3 फंक्शन आपको चेक करना इनवर्स फंक्शन है या नहीं। तो पहले वीडियो में हमने यही बताया था एक्सरसाइज 1.3 में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, कंप्लीट देखना पहला वीडियो। तो उसमें हमने बताया था फंक्शन अगर 1-1 एंड R2 है तो एफ इनवर्स क्या है, डिफाइंड है। तो यहां पर हम आपको लिख देते हैं, देखो आप लोग, इफ एफ इज 1-1 एंड R2 फंक्शन, देन एफ इनवर्स इज डिफाइंड, ये आपको पता हो। अगर फंक्शन एफ, फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ठीक है, फिर आपको सेकेंड पार्ट भी सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आपको थर्ड पार्ट भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, पहले क्या चेक करोगे कि फंक्शन एफ 1-1 एंड R2 फंक्शन है, तभी एफ इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर एफ इनवर्स आपको चेक करना है डिफाइंड है या नहीं, वैल्यू नहीं निकालना है। तो सबसे पहले आपको 1-1 एंड R2 फंक्शन चेक करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, आपको पता है सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है, क्वेश्चन आपने देख लिया तो लिखोगे क्या सबसे पहले। आपको हमने एक्सरसाइज 1.2 में 1-1 एंड R2 फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे एक्सरसाइज 1.2 में, वहाँ पर आपको क्या बताया था 1.2 में एक्सरसाइज में, आपको यही बताया सबसे पहले क्या लिखो, मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर भी आपको मैपिंग गिवन है और फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो एक्सरसाइज 1.2 की तरह ही ये क्वेश्चन 5 सॉल्व होगा। आपको पता है एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 ये दोनों एक्सरसाइज सेम यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 सेम सॉल्व एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करना है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली तो हम ये वादा करते हैं एक्सरसाइज 1.3 आपके समझ में आएगी, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 की तरह ही एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो यहाँ पर 1-1 एंड R2 फंक्शन सबसे पहले चेक करना है, जो आप पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो इसे हम रफ कर देते हैं, अब आपको इतना पता चल गया, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, मैपिंग, फिर फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, द गिवन मैपिंग, तो फर्स्ट पार्ट में देखो आप लोग, फंक्शन एफ में जो है गिवन मैपिंग है, तो एफ सच दैट, फिर आपको पहला सेट बता दिया गया है कि 1, 2, 3, 4, यही आपको लिख लेना, 1, 2, 3, 4 टेंस टू के बाद में आपको सेट गिवन है, क्या है, 10 एलिमेंट, ठीक है। अब आपको ये पता है पहला सेट और जो बाद में सेट फंक्शन एफ में जो मैपिंग है गिवन, पहला सेट और बाद का सेट क्या आपको दिख रहा है, फाइनाइट सेट दिख रहा है। तो आपको लेट कर लेना है इसे ए और इसे बी, ठीक है। देखो कैसे, लेट ए इक्वल
वन कामा टू कामा थ्री कामा फोर, ठीक है, वी इक्वल 10। तो पहला सेट आपने क्या लेट कर लिया, ए, और सेकंड जो है सेट उसको आपने वी लेट कर लिया। अब यही मैपिंग आपको लिख लेना है, इसी मैपिंग को लिखेंगे तो न्यू मैपिंग, यहाँ पे क्या लिखोगे, न्यू मैपिंग एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये न्यू मैपिंग है, अब इसी के अपोजिट आपको फंक्शन की वैल्यू लिखना है। आपको पता है कि मैपिंग के अपोजिट ही आपको फंक्शन की वैल्यू लिखना है, मैपिंग में जो फंक्शन है एफ है तो आपको एफ की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए एफ की वैल्यू गिवन है, एफ इक्वल 1,10, 2,10, 3,10, 4,10, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फंक्शन की वैल्यू लिख ली है, इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि एफ 1,1 एंड आन टू फंक्शन होगा या नहीं। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में आपने क्या सीखा था, अगर फाइनाइट सेट हैं तब आपको 1,1 एंड आन टू फंक्शन कैसे चेक करना, एरो डायग्राम से, दो टाइप आपको बताए थे एक्सरसाइज 1.2 में। तो आपको हम फिर रिपीट करके यहाँ पे बता देते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। पहला टाइप आप लोग देख लीजिए, सेट, फाइनाइट सेट, अगर क्वेश्चन में चाहे फर्स्ट की बात करें, चाहे सेकंड पार्ट की बात करें, चाहे थर्ड पार्ट की बात करें, तो पहला हम पार्ट जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें आपको दो टाइप सीखना है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 और 1.2 सेम क्वेश्चन हैं। तो अगर क्वेश्चन में सेट आपको क्या दिख जाए, फाइनाइट सेट दिख जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, आपको पता है, यहाँ पर हम लिख कर बता देते हैं, देन सॉल्व बाई क्वेश्चन यूज एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सेकेंड टाइप आपको पता है, सेट इनफाइनाइट सेट है, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, अगर आपको क्वेश्चन में सेट इनफाइनाइट सेट मिल जाए तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहां पर लिख कर बता देते हैं, देन सॉल्व बाई क्वेश्चन यूज फार्मूले, फार्मूले से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको क्वेश्चन में सेट इनफाइनाइट सेट दिख जाए, ठीक है। अब आपको देख लेना है फर्स्ट पार्ट में जो सेट ए और बी है क्या है, फाइनाइट सेट हैं। देखो एंड एलिमेंट कितना है, 4 है, और यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है 10, तो ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट है। तब आपको क्वेश्चन फर्स्ट टाइप से सॉल्व करना है, मीन्स एरो डायग्राम से, एरो डायग्राम से ही आपको 1,1 एंड आन टू फंक्शन चेक करना है। अगर ये एफ जो है 1,1 एंड आन टू फंक्शन होगा तभी एफ इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। यहाँ पे देख लो आप लोग, एफ इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, दो टाइप आपको आते हो और एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो फर्स्ट टाइप से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, मीन्स एरो डायग्राम से। अब इसे हम रफ कर देते हैं, अब आपको हम एरो डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो, एरो डायग्राम का यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं यूज एरो डायग्राम, ठीक है। दो सर्किल आपको ले लेना ऐसे करके, आपने ले लिए दो सर्किल, ठीक है, और ये फंक्शन हो जाएगा ए से बी तक। पहला सर्किल सेट ए के लिए और जो सेकंड सर्किल आपको दिख रहा है सेट बी के लिए, मीन्स है आपको सेट ए की वैल्यू यहाँ पे रखना है, कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेके 4 तक इसमें लिखना है। तो आप लोग देख लीजिए 1,2,3 और 4, फिर इसके बाद आपको सेकंड सर्किल में सेट बी की वैल्यू रखना है, कितनी है, 10 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। अब आपको सबसे पहले 1,1 चेक करना है, क्या चेक करना है, 1,1। तो 1,1 के लिए आपको पता है इमेज,
इमेज बनानी है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि ये जो डायग्राम है बन-बन होगा या नहीं। पहले बन-बन फिर उसके बाद आंटू चेक करेंगे। देखो इमेज कैसे बनाना है, पहले वाले सर्किल से हम बाद वाले सर्किल में जाएंगे। तो फर्स्ट की इमेज क्या है, 10 है, तो आपने ये इमेज बना दी है। फिर यहाँ पे देख लीजिए सेकंड की जो इमेज है, सेकंड एलिमेंट की इमेज क्या है, 10 है, तो आपने यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर देखो आप लोग, जो सेकंड एलिमेंट है उसकी इमेज कितनी है, 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड की इमेज कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट की इमेज भी 10 है। ऐसा करके आपको इमेज बनाना है। फिर फोर एलिमेंट की इमेज कितनी है, यहाँ पे दिख रहा होगा 10, तो आपको फोर एलिमेंट की इमेज बना लेना है ऐसे करके। अब देखना है ये डायग्राम बन-बन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बन-बन के लिए आपको पहले वाले सर्किल से बाद वाले सर्किल में जाना है और इमेज बनाना है। और आपको पता है कि बन-बन फंक्शन तब होगा जब पहले वाले सर्किल में आपको देखना है, क्या देखना है, पहले वाले सर्किल में ये देखना है जितने एलिमेंट हैं, कितने आपको दिख रहे हैं, 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज होना चाहिए। अगर ये फंक्शन बन-बन होगा तो इसका मीन्स यही है, हर एक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 एलिमेंट हैं और चारों एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये बन-बन फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि बन-बन फंक्शन के लिए क्या होता है, जितने एलिमेंट होते हैं हर एक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा अलग इमेज नहीं है, जैसे 1 की 10 इमेज है, 2 की भी 10 इमेज है, 3 की भी 10 इमेज है और 4 की भी 10 इमेज है, तो चारों एलिमेंट की एक ही इमेज है। और 1-1 फंक्शन के लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज हो, तो यहाँ पर अलग इमेज नहीं है, तो इसीलिए ये डायग्राम क्या होगा, 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो आपको लिख देना यहाँ पर 1-1 फंक्शन नहीं है, एफ इज नॉट 1-1 फंक्शन, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम के बाद में यहाँ पे लिख देते हैं, चलो आप लोग देख लो, फ्रॉम के बाद में आपको क्या लिखना है, जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिखना है, ए टू बी। ये 1-1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू चेक करो, ये तो आपको पता चल गया ये 1-1 फंक्शन नहीं है, तो एफ इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन ऑन टू भी चेक करो, ऑन टू के लिए आपको प्री इमेज यहाँ पे लिख देते हैं, आंटू के लिए आपको प्री इमेज बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो 10 की प्री इमेज क्या है, 1 है, तो प्री इमेज आपको बाद वाले सर्किल से पहले वाले सर्किल में आना है। 10 की इमेज, 10 की प्री इमेज कितनी है, 1 है, तो अब आपको एरो इस तरफ दिखाना है पहले वाले सर्किल में। 10 की प्री इमेज कितनी है, 2 है, ठीक है। थर्ड मीन्स 10 की प्री इमेज कितनी है, 3 है। 10 की प्री इमेज कितनी है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्री इमेज बना ली। अब प्री इमेज बनाने के बाद आपको ये पता है कि बाद वाले सर्किल में आपको देखना है, बाद वाले सर्किल में आपको देखना है जितने एलिमेंट हैं, मीन्स आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, केवल और केवल 1 एलिमेंट दिख रहा है जो 10 है, तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए। चाहे एक एलिमेंट की 2 इमेज हों चाहे 3 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं अपनी प्री इमेज होना चाहिए, चाहे 2 प्री इमेज हों चाहे 3 हों चाहे 4 हों चाहे 100,000 हो चाहे एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है कि कोई भी एलिमेंट छूटा तो नहीं है यहाँ पर। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे हम यहाँ पे 11 लिख देते हैं, अगर इसकी प्री इमेज नहीं है, 11 हमने अपने पास से लेगा, 11 की प्री इमेज नहीं है, तो आंटू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डायग्राम आंटू फंक्शन है, क्यों, जितने एलिमेंट हैं यहाँ पर केवल सिंगल दिख रहा है इसकी प्री इमेज है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 50 हो चाहे 100,000 हो, प्री इमेज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ना छूटे बाद वाले साइड से। तो कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है
तो आपको पता है कि अर्न टू फंक्शन होता है, तो आपको लिख देना है एफ क्या होगा, अर्न टू फंक्शन होगा। तो इसे हम रफ कर देते हैं, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो इम्प्लाई दैट एफ इज ए अर्न टू फंक्शन। फिर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग में साइड गिवन होते हैं वही आपको लिखना है, ए टू बी। तो यहाँ पर आपको एफ जो फंक्शन है अर्न टू तो है लेकिन वन वन नहीं है। तो जब वन वन एंड अर्न टू फंक्शन होता है, एफ क्या होता है, वन वन एंड अर्न टू दोनों होता है, तभी एफ इनवर्स डिफाइंड होता है। तो आप पहला वीडियो देख लेना एक्सरसाइज 1.3 का, वहाँ पे हमने रूल बताए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। तो यहाँ पर अर्न टू तो फंक्शन है लेकिन वन वन नहीं है, तो एफ इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड होगा या नहीं, तो एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो आपको दोनों लाइन मिक्स करके लिखना है, कैसे, इसी के बाद इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग लिखना इसे भी, ठीक है, स्पेस की ज़रूरत है तभी हम इसे क्या करेंगे, रफ कर रहे हैं, लेकिन आपको दो लाइनें ये लिख लेना, उसके बाद में आपको क्या लिखना, मिक्स करके देखो कैसे, एफ इज अर्न टू व्हाट नॉट वन वन फंक्शन फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में आपको क्या लिखना है, जो मैपिंग में साइड गिवन होते हैं वही लिखना है, ए टू बी। अब आपको हैंस करके लिख देना है, एफ इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं है। तो पहला पार्ट जो है सॉल्व हो गया, अब आपको सेकंड पार्ट जो है सॉल्व करके दिखाएंगे, सेम टू सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट डाल लेना है, सेकंड पार्ट में पहले आप क्या लिखो, मैपिंग लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, जी है, तो जी में मैपिंग लिखो, जी सच दैट 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ठीक है। फिर टेंस टू के बाद में क्या साइड गिवन है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब आपको लेट कर लेना है, पहला सेट ए ले लेना है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और बाद वाला जो सेट है वो लेट कर लेना है बी, ठीक है। अब इसके बाद न्यू मैपिंग लिखना है, इसी को आपको चेंज कर लेना है, कैसे, न्यू मैपिंग, आपने न्यू मैपिंग लिख ली, कैसे, एफ सच दैट मीन्स यहाँ पे जी है, ए टेंस टू बी, इस मैपिंग के अपोजिट आपको फंक्शन की वैल्यू लिखना है, लेकिन मैपिंग में आपको क्या दिख रहा है, जी फंक्शन दिख रहा है, तो जी फंक्शन की ही वैल्यू लिखना है आपको। तो देख लो गिविन, यहाँ पे देखो 54, 63, तो यहाँ पे लिखो 5, 4, फिर है 6, 3, 7, 4, फिर 8, 2, ठीक है। इसके बाद आपको एरो डायग्राम का यूज करना है, क्योंकि ए एंड बी क्या है, फाइनाइट सेट हैं, जब फाइनाइट सेट होते हैं तो आपको किस टाइप का यूज करना है, एरो डायग्राम का, तो यहाँ पर आपको एरो डायग्राम का यूज करना है, यूज एरो डायग्राम, ठीक है। अब आपको वन वन एंड अर्न टू फंक्शन चेक करना है, अगर वन वन फंक्शन और अर्न टू होगा तो क्या होगा, इनवर्स जो होगा डिफाइंड होगा, तो यहाँ पर हम जी लिख देते हैं, क्योंकि अब आपको हम सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको पहले चेक करना है, जी जो फंक्शन है वन वन एंड अर्न टू होगा या नहीं होगा, अगर वन वन एंड अर्न टू होगा तभी जी इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो आपको दो सर्किल ऐसे करके ले लेना है, ठीक है, और यहाँ पे जी लिखो और यहाँ पर ए लिखो और यहाँ पे बी लिखो, पहला सर्किल सेट ए के लिए और बाद वाला सर्किल क्या है, सेट बी के लिए। अब आपको सेट ए के एलिमेंट लिख लेना है 5, फिर 6, थोड़ा सर्किल हम और ले लेते हैं बड़ा, ठीक है, 5, 6, फिर 7, फिर
8। अब साइड बी के एलिमेंट लिखो 1, 2, 3, 4। इसके बाद आपको 1, 1 चेक करना है। 1, 1 के लिए आपको इमेज क्या चेक करना है, इमेज, ठीक है। तो इमेज आप लोग जानते ही हो, कैसे इमेज आप लोग बनाओगे। पहले वाले सर्किल से हम बाद वाले सर्किल में जाएंगे, मीन्स 5 की इमेज क्या है 4। तो यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पे देख लो 6 की इमेज क्या है 3। तो यहाँ से ऐसे करके इमेज बनाना है। 7 की इमेज क्या है 4 है, तो यहाँ पर 7 की इमेज 4 है। 8 की इमेज क्या है 2 है, तो यहाँ पर ऐसे करके ले लेना है। इमेज आपने बना ली, अब देखो 1, 1 फंक्शन होगा या नहीं। 1, 1 फंक्शन के लिए आपको पहले वाले सर्किल में देखना है, यहाँ पर जितने एलिमेंट होते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, मीन्स 4 एलिमेंट हैं। अगर 1, 1 फंक्शन होगा, ये जी क्या होगा, 1, 1 फंक्शन होगा, तो पहले वाले सर्किल में हर एक एलिमेंट अपनी अलग इमेज बनाए, एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाए। देखो यहाँ पर 5 और 6 और 7 और 8 आपको देखना है। तो इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं, देखो यहाँ पर 4 इमेज किसने किसने बनाए, 5 और 7 ने, 5 और 7 एलिमेंट ने एक ही इमेज बना दी है, तो 1, 1 नहीं होगा। क्योंकि 1, 1 के लिए आपको पता है जितने एलिमेंट हैं अपनी अलग ही इमेज बनाए, लेकिन यहाँ पर 5 और 7 ने, दो एलिमेंट ने एक ही इमेज बना दी, तो इसीलिए ये 1, 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आपको लिख देना है डायरेक्ट, देखो कैसे, इसे हम रफ कर देते हैं, ये तो समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ पे लिखो आप लोग एफ इज ए 1, 1 फंक्शन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिखना है। तो हमें स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, ए टू बी, ये 1, 1 फंक्शन नहीं होगा। जब 1, 1 फंक्शन नहीं होगा तो जी इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड होगा, नहीं होगा। क्योंकि एक भी डेफिनेशन, चाहे 1, 1 की बात करें चाहे अनटू की, अगर एक भी फंक्शन नहीं है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर मिस प्रिंट है, एफ लिखा है, तो आप लोग जी कर लो, क्योंकि यहाँ पर जी फंक्शन है। तो अब आप लोग दिख रहा होगा कि 1, 1 फंक्शन नहीं है तो जी इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अनटू के लिए भी चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो अनटू के लिए ना चेक करो, ऐसे डायरेक्ट लिख दो कि अगर जी जो फंक्शन है 1, 1 नहीं है तो जी इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, डायरेक्ट लिख दो। लेकिन अगर चाहो अनटू के लिए प्री इमेज देख लो, देखो कैसे, प्री इमेज के लिए आपको बाद वाला सर्किल देखना है। क्योंकि अनटू जब आपको चेक करना है तो प्री इमेज बनाना है, मीन्स बाद वाले सर्किल से आपको पहले वाले सर्किल में जाना है। कैसे प्री इमेज बनाना है, देखो इसे हम रफ कर देते हैं, अब आपको प्री इमेज सिखा रहे हैं। 4 की प्री इमेज क्या है, देखो 4 की प्री इमेज 7 है, 3 की प्री इमेज क्या है 6 है, 3 की प्री इमेज 6 है, 4 की प्री इमेज क्या है 7 है, तो 4 की प्री इमेज 7 है, ठीक है। 4 की प्री इमेज 5 है, तो 4 की प्री इमेज 5 भी है और 4 की प्री इमेज 7 भी है। अब 2 की प्री इमेज कितनी है, 8 है, तो 2 की प्री इमेज 8 है। प्री इमेज आपने बना ली, अब आपको क्या करना है, चेक करो बाद वाले सर्किल में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूटा नहीं, छूटा। अगर एलिमेंट छूट जाता, मीन्स कोई एलिमेंट इसमें बाद वाले सर्किल में प्री इमेज ना बनाता, तो अनटू फंक्शन नहीं होता। लेकिन सभी ने प्री इमेज बनाई है, तो प्री इमेज का मीन्स ये है, हर एक एलिमेंट चाहे अपनी अलग प्री इमेज बनाए चाहे दो प्री इमेज बना दे। एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे 4 ने प्री इमेज 5 के साथ बनाई और 7 के साथ बनाई, तो 4 एलिमेंट ने दो प्री इमेज बना दी, कोई दिक्कत नहीं है, अनटू फंक्शन होगा। चाहे एक एलिमेंट दो प्री इमेज बनाए, चाहे 3 बनाए, चाहे 8 बनाए, चाहे 100,000 बनाए, बनाए प्री इमेज, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ना छूटे। मीन्स है एक रूल आपको याद करना है, अनटू के लिए कोई भी एलिमेंट ना छूटे, बस। अगर एलिमेंट नहीं छूट रहा है तो
तो ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है तो ऑन टू फंक्शन होगा। अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूट जाता, प्री इमेज ना बनाता, तो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, सभी ने प्री इमेज बनाई है, चाहे अपनी अलग बनाए प्री इमेज, चाहे एक एलिमेंट दो बनाए, चाहे तीन बनाए, तो ऑन टू फंक्शन होगा। तो आपको लिख देना है यहाँ पे जी जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है। तो इम्प्लाई दैट जी इज ए ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पे नॉट कर लो, नॉट वन वन फंक्शन, ठीक है। लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी पहले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे हैं, जी इज ए ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे ऑन टू फंक्शन होगा। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में साइड लिखना है, जो साइड गिविन होते हैं मैपिंग में वही आपको लिखना है, ए टू बी। तो यहाँ पर आपको मिक्स करके लिख देना है, ये दो लाइन है, इन्हें मिक्स करके कैसे लिखोगे आप लोग देख लो। जी इज, थोड़ा हमें स्पेस की ज़रूरत है, कोई बात नहीं है, हम लिख देंगे, आपको दिख रहा होगा। जी जो है फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन वन वन नहीं है, तो आपको लिख देना है जी इज ऑन टू वट नॉट वन वन फंक्शन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में जो सेट, जो मैपिंग में गिवन होते हैं सेट, वही आपको लिखना है ए टू वी। अब बताइए कि जी जो है ऑन टू फंक्शन है लेकिन वन वन नहीं है, तो यह जी इनवर्स डिफाइंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में पहला वीडियो आपको हमने अपलोड करके दिया था, उसमें क्या देखा आपने, रूल। तो रूल आप लोग कंप्लीट हैं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर जी ऑन टू है लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है तो जी इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। मीन्स अगर जी जो फंक्शन है वन वन एंड ऑन टू दोनों होते तो जी इनवर्स डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑन टू तो है लेकिन वन वन नहीं है, तो जी इनवर्स आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, लास्ट में लिखना है जी इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। जी इनवर्स क्या है, डिफाइंड नहीं है। अब आपको हम थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग थर्ड पार्ट देखो इसका, सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, इसे हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको थर्ड पार्ट डाल लेना है। अब आपको मैपिंग सबसे पहले लिखना है, तो जी फंक्शन में मैपिंग गिवन है, तो यच सच दैट 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर आपको बाद वाला सेट लिखना है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। अब आपको पहला सेट और बाद वाला सेट लेट कर लेना है, तो इसे हम लेट करेंगे ए इक्वल 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके बाद आपको बी बाद वाला सेट ले लेना है 7, 9, 11, 13। तो आपने मैपिंग में पहला सेट ए लेट किया है, दूसरा सेट वी लेट किया है। अब आपको इस मैपिंग को न्यू मैपिंग लिखना है, देखो आप लोग न्यू मैपिंग कैसे लिखोगे, यच सच दैट ए टेंस टू बी। अब इसके बाद आपको मैपिंग के अपोजिट यच फंक्शन की वैल्यू लिखना है जो आपको गिवन है। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कितने पेयर हैं, 4 पेयर हैं, आपको यही लिख लेना है 2, 7 फर्स्ट पेयर हो गया, 3, 9 सेकेंड पेयर हो गया, 4, 11 थर्ड पेयर हो गया, 5, 13 ये फोर्थ पेयर हो गया, ठीक है। अब आपको यूज करना है एरो डायग्राम का, यूज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट है। क्योंकि आपने सीखा था एक्सरसाइज 1.2 में,
अगर ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट है, तो आपको 1-1 और ऑन-टू फंक्शन चेक करना है। कैसे, किस टाइप से, एरो डायग्राम का यूज करना है। तो एरो डायग्राम जानते हो आप लोग, दो सर्किल आपको ऐसे करके लेना है ऐसे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिख देना है यच, जो भी यहाँ पे मैपिंग में फंक्शन है। फिर यहाँ पर ए और बी, पहला सर्किल सेट ए के लिए, बाद वाला सर्किल सेट बी के लिए। तो सेट ए के एलिमेंट देखो कितने हैं, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे लिख लेना 2, 3, 4, 5, ऐसे करके आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको दूसरे वाले सर्किल में सेट बी की वैल्यू लिखना है, 7, 9, 11, 13, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको 1-1 चेक करना है। 1-1 के लिए आपको इमेज बनाना है, क्योंकि आपको यच जो है चेक करना है, 1-1 होगा या नहीं होगा, ऑन-टू होगा या नहीं होगा। तो पहले हम 1-1 की बात करेंगे, तो इमेज आपको यहाँ पर बनाना है। कैसे इमेज बनाना है, देखो 2 की इमेज क्या है, 7 है, तो यहाँ से ऐसे करके आपको एरो लगाना है। 3 की इमेज क्या है, 9 है, तो 3 की इमेज क्या है, 9, ठीक है। 4 की इमेज क्या है, 11, तो 4 की इमेज क्या है, 11, ठीक है। 5 की इमेज क्या है, 13, तो 5 की इमेज क्या है, 13। अब आपको चेक करना है, इसे हम रफ कर देते हैं, ये तो आपको हमने समझाने के लिए यहाँ पर एरो करके बताए हैं। अब आपको फंक्शन जो है यच 1-1 होगा या नहीं चेक करना है। तो पहले वाले सर्किल में ये देखना है जितने एलिमेंट हैं, आपको कितने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। अपनी अलग अलग इमेज होना चाहिए। कैसे अपनी अलग अलग इमेज होना चाहिए बताएं आपको। हाँ देखो, 2 की इमेज क्या है, 7 है, सिंगल है, ठीक है। 3 एलिमेंट की इमेज क्या है, 9 है, सिंगल है। 4 की इमेज क्या है, 11, सिंगल है। 5 की इमेज क्या है, 13, सिंगल है। तो पहले वाले सर्किल में आपको देखना है 1-1 के लिए, और हर एक एलिमेंट अपनी अलग इमेज बनाए। तो हर एक एलिमेंट ने अपनी अलग इमेज बनाई है, तो ये जो यच जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये 1-1 होगा, ठीक है। आपको फिर रिपीट करके बता देते हैं, अगर ये यच 1-1 होगा फंक्शन, तो आपको पहले वाले सर्किल में देखना है हर एक एलिमेंट अपनी अलग इमेज बनाए, केवल एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाए, तो 1-1 होगा। तो आपने देखा है 2, 3, 4, 5, 4 एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंट ने अपनी अलग अलग इमेज बनाई है। जब अलग अलग इमेज बनाई है, तो यच क्या हो जाएगा, फंक्शन 1-1 होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, इम्प्लाई दैट यच इज 1-1 फंक्शन। फिर आपको लिखना है फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग में सेट गिविन होते हैं, वही आपको लिखना है, ए टू बी। अब आपको ऑन टू चेक करना है, क्योंकि यच जो है 1-1 फंक्शन है। अब ऑन टू चेक करना है, ऑन टू के लिए प्री इमेज के लिए आपको बाद वाले सर्किल में देखना है, और पहले वाले सर्किल में प्री इमेज बनाना है। कैसे बनाओगे, हम आपको बता देते हैं। इसी डायग्राम में इमेज भी बन जाती है और प्री इमेज भी बन जाती है। देखो कैसे, 7 की प्री इमेज क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आप एरो ऐसे करके लगाना है। तो 9 की प्री इमेज क्या है, 3 है, ठीक है। 11 की प्री इमेज क्या है, 4 है। 13 की प्री इमेज क्या है, 5 है। तो आपने प्री इमेज बना ली, मीन्स है प्री इमेज आपने बता दी। अब आपको ऑन टू के लिए बाद वाले सर्किल में देखना है, कोई भी एलिमेंट छूटे ना, कोई भी एलिमेंट छूटे ना। जितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, सभी ने प्री इमेज बनाई है, चाहे एक प्री इमेज बनाए, चाहे एक एलिमेंट दो प्री इमेज बनाए, चाहे एक एलिमेंट तीन प्री इमेज बनाए, चाहे एक एलिमेंट चार प्री इमेज बनाए, मीन्स बनाए प्री इमेज, बनाए चाहे एक एलिमेंट 1,00,000 प्री इमेज बनाए। सीधा सीधा रूल यही है, आपको ये देखना है बाद वाले सर्किल में कोई भी एलिमेंट छूटे ना, तो कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा, सभी ने प्री इमेज बनाई है। जब प्री इमेज बनाई है सभी ने,
जितने एलिमेंट हैं, तो ये यच क्या होगा, अन टू फंक्शन होगा। फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं, बाद वाले सर्किल में आपको क्या देखना है, जितने एलिमेंट हैं आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 चार एलिमेंट दिख रहे हैं। हर एक एलिमेंट प्री इमेज बनाए, चाहे एक एलिमेंट दो प्री इमेज बनाए, चाहे तीन बनाए, चाहे 100,000 बनाए, अगर हर एक एलिमेंट प्री इमेज बनाता है तो अन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो, हर एक एलिमेंट ने प्री इमेज बनाई है तो ये क्या होगा, अन टू फंक्शन होगा। अगर यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं अपने पास से, ठीक है, समझाने के लिए लिख देते हैं, यहाँ पर अगर हम 14 लिख दें, ठीक है, अब देखो ये अन टू फंक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि 14 ने प्री इमेज नहीं बनाई है। जब इस टाइप का आपको डायग्राम दिख जाए और एलिमेंट छूट जाए सेकंड सर्किल में, तो अन टू फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये तो हमने अपने पास से लिखा है, ठीक है, अपने पास से लिखा। अब हम रफ कर देते हैं, क्योंकि पहले गलत सीखो तभी तो सही सीख पाओगे। तो यहाँ पर हमने जो 14 लिखा था उसकी प्री इमेज नहीं थी, तो प्री इमेज नहीं थी तो अन टू फंक्शन नहीं होगा। लेकिन हमने 14 रफ कर दिया, वो तो समझाने के लिए बताया है। अब देखो, कोई भी एलिमेंट छूट रहा, नहीं छूट रहा, जब बाद वाले सर्किल में कोई भी एलिमेंट ना छूटे तो अन टू फंक्शन होगा, डायरेक्ट आपको लिख देना है। तो यहाँ पर देख लो, यच इज ए अन टू फंक्शन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिखना है। अब आपको ये दिख रहा है कि यच बन वन एंड अन टू फंक्शन है, तो यच इनवर्स डिफाइंड होगा। तो आपको पहले दो लाइन को मिक्स करके लिखना है, देखो यच इज वन वन अन टू फंक्शन, यफ नहीं है, यच है, ठीक है, तो यच इज वन वन अन टू फंक्शन। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में आपको क्या लिखना है, वही लिखना है जो मैपिंग में सेट गिवन होता है। तो इसे हम रफ कर देते हैं, आपको यहां पे लिख देना है ए टू बे। तो इस लाइन को देखो, तीसरी वाली, तो यच क्या है, वन वन एंड अन टू फंक्शन है। तो अगर वन वन एंड अन टू फंक्शन है तो यच इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो आपको लिख देना है यहां पर, इसी यहीं पे देख लो आप लोग, हैंस यच इनवर्स इज ए डिफाइंड। तो यहां पर आपको हमने तीनों ही पार्ट सॉल्व करके दिखाए हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करो, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपका फ़ायदा है, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुँच पाएँ, जिससे आप सिलेबस अच्छे से तैयार करो, कंप्लीट करो। जब अच्छे से सिलेबस तैयार होगा आपका, तो हम ये गारंटी ले लेते हैं कि आपके ही मैथ इंटर में 100 में 100 मार्क्स आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जितना हम लिखते हैं यहाँ पर, इतना आपको लिखना पड़ेगा, कंजूसी ना करना, कम ना लिखना, अगर कम लिखा तो आपके कम नंबर आएंगे। तो जितना हम लिखते हैं इतना ही लिखो, तो हम ये वादा करते हैं मैथ इंटर में आपके ही 100 में 100 मार्क्स आएंगे। तभी कहते हैं इसी चैनल से जुड़े रहिए, चैनल का नाम पता ही आपको।